नमस्कार, आप देख रहे हैं नैनीमल न्यूज़ खबर बिनोर से। तीन शराब माफियों को अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। दरअसल आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत बिजनौर एसपी द्वारा अवैध शराब और शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजनौर की चांदपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर धनौरा फाटक के पास से दो संदिग्ध गाड़ियों को रोका, जिसके बाद गाड़ियों की तलाशी ली गई। संदिग्ध गाड़ियों में 1125 पवे अवैध शराब, 60 लीटर अवैध शराब से भरी हुई प्लास्टिक की कैने, 60 खाली पवे और 7 किलोग्राम यूरिया बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी शराब माफियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सभी लोग मिलकर आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार को यह शराब उपलब्ध कराकर रुपया कमाते हैं। गिरफ्तार हुए आरोपी यह काम काफी समय से करते आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। देखिए, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए जनपद में लगातार अवैध शराब की कसीदगी और अवैध शराब की बिक्री के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत कल शाम को सूचना प्राप्त हुई कि धनौरा फाटक चांदपुर के पास कुछ अभियुक्त अवैध शराब की तस्करी करके ला रहे हैं। इस सूचना पर हमारी स्वाट टीम और चांदपुर पुलिस ने मिलकर घेराबंदी की। इनकी तीन लोगों ने बचने का प्रयास किया, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया पुलिस के ऊपर, लेकिन बच बचा के पुलिस ने घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की, पकड़े इनको। दो गाड़ियाँ हैं जिसमें एक SS4 है और एक बलेनो नंबर प्लेट जिसका तोड़ रखी है इन लोगों ने। उसके अंदर से 125 पवे अवैध शराब, 6 प्लास्टिक की जेरी कैन में जिसमें 60 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब है, 60 खाली पवे हैं, 7 किलोग्राम यूरिया है जिससे कि ये अपमिश्रित शराब बनाते हैं, और बनाने के उपकरण, इन सारी चीज़ों की बरामदगी हुई है। इसकी खपत ये लोग आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लाभ पहुंचाने की दृष्टि से करना चाह रहे थे, इसके लिए ला रहे थे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 20 मुकदमे जिस अभियुक्त के ऊपर हैं, जिसका कि नाम हेमेंद्र उर्फ गोपी चार्जन है, जो कोतवाली शहर क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और आपको अवगत ही होंगे कि इसके विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे धारा 302 हत्या के, इसके अलावा धारा 307 के, बलवे के, 60 एक्साइज एक्ट के 20 अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। इसके साथ साथ दो साथी इसके, और एक बड़ौदा जनपद सोनीपत हरियाणा का रहने वाला अजय पकड़ा गया है, दूसरा एक कुलदीप पुत्र राजेंद्र निवासी समरिया थाना रोहतक के रहने वाले हैं, दो व्यक्ति हरियाणा के और एक कोतवाली नगर क्षेत्र बिजनौर को। ये तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनको कि न्यायिक अध्यक्ष भी जेल भी है।